मैं हूं अर्पिता आर्या। शारदा घोटाले में कोलकाता की पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ से सीबीआई के अधिकारियों को रोकने और उन्हें हिरासत में लिए जाने के मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। रविवार को कोलकाता पुलिस ने पूछताछ के लिए पहुंचे सीबीआई के अधिकारियों को हिरासत में लिया था, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। इसी मामले की शिकायत सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से की है। सोमवार को इस मामले को लेकर सीबीआई ने याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। सीबीआई ने अपनी याचिका में कोलकाता पुलिस कमिश्नर पर घोटाले में शामिल होने का भी आरोप लगाया है। वहीं कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि सीबीआई को सौंपे गए सबूत के साथ छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि एसआईटी ने शारदा घोटाले की सही से जांच नहीं की है। तो कुल मिलाकर ये शारदा घोटाला, जिसमें कोलकाता की पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ से सीबीआई के अधिकारियों को रोकने और उन्हें हिरासत में लिए जाने के मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि सीबीआई को सौंपे गए सबूत के साथ छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने कहा कि एसआईटी ने शारदा घोटाले की सही से जांच नहीं की है और आज इसी को लेकर सुनवाई चल रही है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर से नीरज कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ अमित हमारे सहयोगी कोलकाता से जुड़ चुके हैं। नीरज, सबसे पहले आपका रुख क्या चल रहा है कोर्ट में? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले तीन जजों की जो पीठ है उसमें यह सुनवाई शुरू हो गई है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल सीबीआई की तरफ से पक्ष रख रहे। कल तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने अपना पक्ष रखा था, लेकिन वेणुगोपाल ने जो आज पक्ष रखा है उसके तहत वो बता रहे हैं कि किस तरह से एविडेंस जो मांगा गया है एसआईटी से, जम्मू कश्मीर में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है उसके डिटेल मांगे गए तो वो डिटेल नहीं दिया गया एसआईटी की तरफ से सीबीआई को। इसके अलावा ये भी आरोप लगाया गया है कि जो कॉल रिकॉर्ड्स थे उस पूरी गिरफ्तारी के, उस कॉल रिकॉर्ड्स से भी कई जानकारियां जो हैं छिपाई गई हैं। ये तमाम जो सबूत है वो रखा जा रहा है राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई की तरफ से। अब देखना होगा कि इस पूरी सुनवाई के बाद, इस पक्ष के बाद, जो कोलकाता पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी क्या दलील पेश करते हैं, क्योंकि इस दलील के बाद जो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल रख रहे हैं उसके जवाब में क्या पक्ष रखा जाता है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से या फिर राजीव कुमार की तरफ से, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कल जो कोर्ट ने कहा था सीबीआई को, यानी तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल है, उनसे कोर्ट ने कहा था कि आप सबूत लेकर आएँ। कल सबूत पेश नहीं किया गया था सीबीआई की तरफ से, लेकिन आज जो है सबूत पेश किया जा रहा है अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की तरफ से। तो अब सुनवाई चलेगी थोड़ी देर तक और उसके बाद कुछ निष्कर्ष निकलेगा कि पूरे मामले पर कोर्ट का फैसला आज क्या होता है। और बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर अटॉर्नी जनरल जो वेणुगोपाल है, उन्होंने ये कहा कि सीबीआई को जो सौंपे गए सबूत है उन पे छेड़छाड़ की गई है। कल जरा तस्वीर साफ कीजिएगा, कल जब कोर्ट में दलील दी जा रही थी सीबीआई की तरफ से, तो क्या ये कहा गया था कि आगे भी इस पर जो सबूत है उससे छेड़छाड़ हो सकती है पुलिस कमिश्नर के द्वारा? देखिए बिल्कुल, कल कोर्ट ने कहा था कि आप, यानी आज की तारीख में सारे सबूत को पेश करें और आज जो सबूत पेश किया जा रहा है, अपनी बातों को रख रहे हैं अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल। दो दलील पेश की गई थी, यानी दो याचिकाएं रखी गई हैं सीबीआई की तरफ से जो कल तुषार मेहता ने दी थी। पहला ये कि राजीव कुमार से पूछताछ की इजाज़त दी जाए और दूसरा ये कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला पश्चिम बंगाल के तमाम उन अधिकारियों के खिलाफ चलाया जाए, तीन अधिकारियों के नाम है जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और एक खुद राजीव कुमार का नाम शामिल है, क्योंकि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं दिया चिट फंड का जो मामला था। आज के वेणुगोपाल अपना पक्ष रख रहे हैं सीबीआई की तरफ से। अब इसके जवाब में पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से क्या दलील दी जाती है ये देखना होगा, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने कल जो दलील पेश की थी उसमें उनका कहना था कि परेशान किया जा रहा है और जो अब तक जो जांच की जा रही है वो कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही बंगाल में इस तरीके से पूछताछ नहीं हो सकती पुलिस अधिकारियों से। आज ये मुद्दा भी हो सकता है सिंघवी रखेंगे कोर्ट के सामने? देखिए बिल्कुल, इस पूरे तमाम दलीलों को खुद रखा जाएगा पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से, लेकिन
कोर्ट का फैसला यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट में भी इससे जुड़े एक मामले की सुनवाई आज है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उस पर सबकी नजरें हैं। हाँ। कोर्ट का जैसा आदेश होगा उसके बाद ये तय होगा कि जांच की दिशा क्या होगी पूरे मामले में और किसकी जीत होती है, क्योंकि सीबीआई अपनी दलील दे रही है, पश्चिम बंगाल की सरकार और राजीव कुमार अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी के माध्यम से, लेकिन देखना होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले में क्या पक्ष रखता है। नीरज, कुछ अंदाजा बता पाएंगे?